खुशियों की जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को लबों पे इनके, वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की जो रूप अपना बदल रही है, अजीब उलझन। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। क्या हो गया भाई? भाई क्या हुआ, खैरियत है? तलाशी लेनी है। ये क्या है? चलो साहब के पास। सर इनके पास से ये बरामद हुई है। लेके चलो ना इसे थाने। यस सर। अरे साहब थाने जाने से क्या फायदा होना, यहीं को अच्छी सेटिंग कर लेते। सेटिंग? कैसी सेटिंग? अब तो खुश हो? बेशरम, एक तो चोरी ऊपर से सीना तोड़ी। तू जानता नहीं है यहाँ हर आदमी पिकाऊ नहीं है। अब आपने थप्पड़ मार के अच्छा नहीं किया। उठाओ से गाड़ी में। यस सर। पुलिस अफसर को रिश्वत देता है। बैठो गाड़ी में। देखो बड़ी, आज भी इस दुनिया में नेक और ईमानदार लोग मौजूद हैं। देख रही हूँ, मगर कितनी देर तक वो अपने ईमान पे कायम रहेगा? शायद हमेशा। जिसका जवानी में ईमान नहीं डोला, उसका अब क्या ईमान डोलेगा? वह मैं तुम्हारा, इस दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं निकी, जिसको करने के लिए इंसान अपना ईमान दो मिनट में खो देता है। और अगर यही चीज इसके सामने आ गई तो? दीन मोहम्मद इतना कमजोर तो नहीं है? देख लो। देख रही हूँ, जब भी तो कह रही हूँ। तुम कभी नहीं बदल सकती निकी, कभी कभी तुम्हारी हालत देखकर अफसोस होता है। निकी और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात। अरे नहीं नहीं आप ऐसा मत कहिए, फिक्र मत करें आप, आज ही आशी के अब्बा से बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं ऐसा मत कहिए आप जी। हेलो, अरे मेरी बात तो सुनिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटी, जीती रहो। ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अच्छा अब्बा, चाय लाऊं आपके लिए? हाँ बेटा, अच्छी सी चाय बुलाओ। जी अभी लाई। नाजी भाभी का फोन आया था, शादी की तारीख मांग रही है। शादी की तारीख? इतनी जल्दी? जल्दी? 2 साल हो गए हैं मंगनी को और तुम कह रहे हो जल्दी? शादी की तारीख चाहिए उन्हें फौरन, वरना 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 क्या? वरना वो ये मंगनी तोड़ देंगे। ऐसे कैसे तोड़ देंगी? ये गुड्डे गुड़िया का खेल है कि जब चाह तोड़ दिया। नाजी भाभी से कहो कि हमें कुछ वक्त दें। और कितना वक्त लोगे आशी के अब्बा? 2 साल हो चुके हैं, हमारे तो हालात कल भी यही थे और आज भी यही है। तुम ईमानदारी की चादर सीने से ओढ़े बैठे रहो, लेबल लगा लो ईमानदारी का अपने सीने पे। भाड़ में जाए हम लोग तो क्या करूं? बेईमानी का लिबास पहनकर लानत का तौक अपने गले में डाल लूं?
औलाद की खातिर सब कुछ करना पड़ता है। एएसआई साहब, बेटी जवान होने को है, बड़ी भी पहाड़ की तरह खड़ी हो जाएगी, कैसे करोगे शादियां इनकी? जवाब दो। एक बात गौर से सुन लो, लोग तुम्हारी ईमानदारी नहीं देखेंगे, लोग बेटियों को दिया हुआ सामान और जहेज देखेंगे, समझे? तुम कुछ भी कहो, मैं बेईमानी की दलदल में नहीं उतरूंगा, समझे तुम? ठीक है, तुम अपनी ईमानदारी का लेबल सीने से लगा के जिंदगी गुजारो। जहर दे दो अम्मा बेटियों को। एक काम और भी करना, मेडल सजा के ना अपने सीने पे, घूमते रहो पूरे शहर में, करवा लो तारीफ अपनी, सुकून मिल जाएगा। तुम किस सोच में गुम हो दीन मोहम्मद? मत उलझाओ खुद को, औलाद से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। छोड़ दो ये शराफत और ईमानदारी की बातें, इससे ना तो बच्चों का पेट भरता और ना ही उनकी खुशियां मिलती। औलाद और माल की मोहब्बत से बड़ा कोई फितना नहीं होता। हमेशा की तरह आज भी खुद को साबित कदम रखो, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। तो फिर रहो साबित कदम, अपने बच्चियों का घर बसने से पहले उजाड़ दो, बेवकूफ मत बनो, कम से कम इतना तो कमा लो कि अपनी दोनों बच्चियों को इज्जत से रुखसत कर सको। मत चलना ऐसे रास्ते पर जो तुम्हें बेईमानी के जंगल में गुम कर दे, मत चलना, हरगिज मत चलना। हाँ दीन मोहम्मद, कहो क्यों मिलना चाह रहे थे? सर आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ कहो, खुल के बात करो। सर माशाल्लाह से बेटी की मंगनी तय कर दी थी, अब उसके ससुराल वाले शादी की तारीख मांग रहे थे। वाह, बहुत अच्छी खबर है, बहुत बहुत मुबारक हो। ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आप तो जानते हैं हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी इज्जत व आबरू से रुखसत हो, लेकिन सर आप मेरे हालात जानते हैं, अगर प्रोविडेंट फंड में मिल जाता तो मेरी बेटी इज्जत के साथ रुखसत हो जाएगी। दीन मोहम्मद, जहां तक मुझे याद पड़ता है तुम्हारे प्रोविडेंट फंड में तो अब इतने पैसे नहीं होंगे। याद है ना तुम्हें पिछले साल तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब हुई थी तो काफी पैसे निकलवा लिए थे तुमने। जी जी सर, लेकिन सर मैं बहुत मुश्किल में हूं। जानता हूं दीन मोहम्मद, समझ सकता हूं तुम्हारी प्रॉब्लम को, लेकिन दीन मोहम्मद क्या करें, ये जब दफ्तरी मामलात होते हैं ना, इनमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं। नहीं नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं है, चले अल्लाह कोई वसीला पैदा कर ही देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कांस्टेबल गुलाम अहमद को भेजो। बाजी, कल अम्मा अब्बा से क्यों लड़ रही थी? पगली, वो अब्बा से नहीं लड़ रही थी, वो तो अपने नसीब से लड़ रही थी। हमारा ही नसीब ऐसा क्यों है? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर इतना जरूर जानती हूँ कि नसीब अच्छा हो या बुरा, मानना तो पड़ता ही है। हाय, उमा, बेटा पानी पिला। अभी लाई। कहाँ गई थी अम्मा? आसमां की तरफ गई थी, कमेटी का पता करने। अच्छा, क्या बना फिर? क्या बना, सोचा जरा पहले मिल जाती तो कुछ सोच लेती, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। आसमां कहती है सबको बारी बारी मिलेगी, हिसाब से। समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे मांगू जाकर। अम्मा, अब तू मेरी वजह से अब्बा से झगड़ा ना करने बैठ जाना। वैसे ही वो नौकरी से थका मांदा घर आता है और जैसे ही घर में घुसता है तू लड़ने लग जाती है। बस कर, ज्यादा बातें ना कर,
बाप की हिमायती बनने की कोई जरूरत नहीं है। क्या किया तेरे बाप ने सारी जिंदगी? उल्टा दो दो मुसीबतें मेरे कांधों पर डाल दी बोझ बनाकर। उसे क्या परवाह है, घर चले ना चले, जो मर्जी होता फिरे यहाँ पे, शादियां हो ना हो तुम लोगों की, तो सुकून से जिंदगी गुजारा है। मेरी जिंदगी मुसीबत में डाल दी है उसने। बस कर दे अम्मा, उसने कभी हमें बोझ नहीं समझा, हम सबसे बहुत प्यार करता है वो, और तेरी भी अम्मा कितनी कदर करता है वो। तुझे याद नहीं है पिछले साल जब तेरी तबीयत खराब हो गई थी, वो 24 घंटे हॉस्पिटल में बैठा रहा था तेरे लिए। चुप कर, एहसान नहीं करता कोई मेरे पास बैठा रहा, फर्ज था उसका पूरा किया। हाय अल्लाह, गजब खुदा का, एक आम सा सिपाही हजारों रुपए कमा के घर लेके आता है, तेरे अब्बा पे नेकी का भूत बनना सवार है। इस आपा धापी के दौर में ईमानदार बनने का जुनून सवार है तेरे बाप के सर पे। उसके साथ के एएसआई डिफेंस में दो दो बंगले कारें खड़ी करके बैठ गए, लेकिन तेरा बाप वैसे का वैसे ही, भोला का भोला ही। कुछ नहीं किया मेरी खातिर, सबका एक दिन नसीब नहीं हुआ मुझे इस आदमी के साथ, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। तुझे तो खुश होना चाहिए अम्मा कि तेरा शौहर एक नेक और ईमानदार शख्स है। हमारे बाप की ना शराफत पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। जिनकी गाड़ियां और बंगले होते हैं ना अम्मा, वो रात को सुकून की नींद नहीं सोते। वैसे भी अम्मा, बेईमानी के बिस्तर से ना ईमानदारी का फर्श बेहतर होता है। बस कर, ज्यादा लेक्चर झाड़ने की जरूरत नहीं है। बड़ी आई बाप की सगी, ज्यादा टपने की जरूरत नहीं है। और पुत्र जी, उस वक्त पता चलेगा जब फूफी दरवाजे पे आ जाएगी मंगनी तोड़ने, अकलें ठिकाने पे आ जाएंगी तुम लोगों की। बाहर में जाओ तुम सबके सब, मनुसो मेरे पेटे पड़ गए सारे। बाजी अम्मा कहाँ गई? अपने कमरे में गई होंगी। ए, इधर मर, पानी लेके आ। आ रही हूँ अम्मा। देख रही हो निकी क्या हालत हो रही है? इन हालात में दीन मोहम्मद किस तरह अपना दीन बचा पाएगा? वो बहुत साबित कदम और नेक इंसान है, उनका ईमान कभी नहीं डोलेगा, तुम देख लेना। ये औलाद बड़ी जालिम शय होती है निकी, इसकी खातिर इंसान दोजख तक खरीद देता है। इंसान से औलाद वो कुछ करवा लेती है जो वो अपने लिए नहीं करता। देखते हैं दीन मोहम्मद कब तक हार नहीं मानता। मुझे पूरा यकीन है ऐसा कुछ नहीं होगा, दीन मोहम्मद इस बार भी अपनी आजमाइशों से निकल जाएंगे। बहुत जल्द दीन मोहम्मद को हार मानने पड़ेगी। कितनी खुशगुमान हो ना तुमने की, लेकिन हकीकत का खुशगुमानी से क्या लेना देना? मगर हकीकत बाज औकात बड़ी खौफनाक शय होती है। सर आप जरा घड़ी से बाहर तशरीफ लाएंगे? क्यों नहीं, बाहर तशरीफ लाएं। आप लोगों के तो हम वैसे भी ताबेदार हैं। आपके पास चलो। बड़े बड़ों को पसीने आ जाते हैं पुलिस वालों को देख के, लेकिन अपनी कहानी कुछ और है। सलाम जनाब अली। वालेकुम सलाम। एक मिनट आपसे बात हो सकती है? कैसी बात? देखिए सर, आप अपना और मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। गाड़ी में कुछ खास नहीं है, बस एक बोतल है, पार्टी शार्टी करनी है ना, बाकी आप समझदार है। बोतल? हाँ बोतल। हाथ लाए इधर, हाथ लाए, खुद भी इंजॉय करें और हमें भी इंजॉय करने दो। बेगैरत, रिश्वत देता है, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा ना, सारी जिंदगी किसी को रिश्वत देने के बारे में सोचेगा भी नहीं। बस अपनी औकात में रहे, जानता भी है तू किससे बात कर रहा है, कौन हूँ मैं? तुझसे जरा आराम से बात क्या कर ली, तू मुझे टैक्सी वाला रिक्शे वाला समझ बैठा है। पुलिस वाले को धमकी देता है, बैठा से गाड़ी में, गाड़ी में चल रहे, चल थाने, बताता हूँ तुझे तेरी औकात क्या है, जानता नहीं है तू मुझे, जानता नहीं है मुझे, जानता नहीं है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है।
तरह तरह के इल्जाम लगाएंगे तुझ पे बेटा। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। तू कहती है मम्मी तोड़ दो। कोई बात नहीं अम्मा, मैं बर्दाश्त कर लूंगी सब कुछ। कम से कम तू और अब्बा तो अम्मा परेशान ना हो, तुम लोगों की रातों की नींद तो हराम नहीं होगी मेरी वजह से। मैं तो देख रही हूँ ना अम्मा, तुझे सांस ही नहीं आती मेरी वजह से, और अब्बा वो तो छुपता फिरता है मुझसे। लो, उसमें इतनी शर्म कहाँ के वो छुपता फिरे। उसकी हट धर्मी की वजह से ही तो जिल्लत के ये दिन देखने पड़े हैं हमें। आज मेरी बात मानी होती उसने। किसकी मजाल थी जो हमें बात करता बता। पर नहीं जी, ईमानदारी का खबत सवार है उसको, भूत सवार है ईमानदारी का। मैं भी देखती हूँ उसकी ईमानदारी क्या सिला देती है उसे। बेहतर ही होगा अम्मा जो होगा। नेकी का सिला कभी बुरा नहीं होता। झूठ बोल रहे हो तुम दीन मोहम्मद। मैं झूठ बोल रहा हूँ सर? मैंने खुद इसकी गाड़ी की तलाशी ली थी, उसमें शराब मौजूद थी। फिर इसने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की। कुर्बान जाऊं मैं इस सादगी के। सुन रहे हैं डीएसपी साहब, इसकी तोता कहानी। कमाल झूठ बोल रहा है ये। तमीज से बात करो, तमीज से तुम बात करो दीन मोहम्मद। जानते भी हो ये कौन है? अभी इसी लम्हे खड़े खड़े तुम्हारी वर्दी उतरवा सकते हैं। सर मैं सच कह रहा हूं। इन्होंने तुम पे इल्जाम लगाया है कि तुमने पहले इन्हें जबरदस्ती रोका, उसके बाद 10,000 रुपए इनसे रिश्वत मांगी। सर ये झूठ है। मैंने आज तक हराम का 1 रुपया अपने बच्चों को नहीं खिलाया, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं सर। आज तुमने ये सोचा कि जब बेटी की शादी ही करनी है तो क्यों ना इसी तरह से पैसा कमा लिया जाए। जानते भी हो कि तुमने एक शरीफ आदमी पर इल्जाम लगाया है। ये तो शुक्र करो कि इन्होंने तुम्हें नौकरी से नहीं निकलवाया। माफी मांगो इनसे फौरन। मैं? सर मैं माफी मांगू? क्यों, तुम मिनिस्टर हो, किसी बहुत आला ओहदे पे फाइज हो कि इनसे माफी नहीं मांग सकते? गलती हो गई जनाब, माफ कर दें। डीएसपी साहब, बेचारा छोटा आदमी है, अब इसके मुंह क्या लगना। हाँ इजाजत दें, चलता हूं। शुक्रिया बाबा। अब यहां क्यों खड़े हो? जाओ, और हां आइंदा होश से काम लेना। जी सर। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। सर आज क्या गाड़ियों की चेकिंग वगैरह नहीं करनी? रहने दे, इज्जत की कीमत चुकानी पड़ती है गाड़ियां चेक करके, रहने दे। मगर सर ये तो हमारी ड्यूटी है। लानत भेज ड्यूटी पे। हम जान पर खेलकर मुजरिम पकड़ते हैं, थाने लेकर जाते हैं। पता चलता है मुजरिम किसी मिनिस्टर का सपोर्टर या छोटा भाई है, फिर हमारे अफसर हमारे साथ वो सलूक करते हैं जो हमें मुजरिम के साथ करना चाहिए। 2% के हम 2% के ये वर्दी जिसे पहनकर हम फख्र महसूस करते हैं, 2 मिनट में ये लोग इसे हमारे गले का फंदा बना देते हैं। सर और कहा भी क्या जा सकता है, इसी को तो नौकरी कहते हैं। नहीं ये नौकरी नहीं है, गुलामी है, बस गुलामी। हम सब गुलाम हैं, हमें आजादी मिली ही नहीं। एक बात बता सिराज। जी सर पूछें। मेरी ईमानदारी पे मुझे बुरा भला तो कहते होगे, कहते होगे ना खुद कमाता है ना हमें कमाने देता है, ईमानदारी का दौरा पड़ा रहता है।
नहीं नहीं सर जी, भला हम ऐसा क्यों करेंगे? क्यों मुनीर? तौबा तौबा सर जी, हम को ऐसा सोच ही नहीं सकते। नहीं नहीं, अगर कहते हो तो बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं हूं इसी काबिल। ये मेरी ईमानदारी का सिला है। अच्छा देखो, अगर ईमानदारी करके गालियां खानी है तो क्यों ना बेईमानी करके इज्जत कमाएं, क्या ख्याल है? क्या मतलब सर? मेरा मतलब है कि अब बहुत हो गया, इस ईमानदारी ने सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं दिया। अब ऐसे जी के देखते हैं जैसे सब जीते हैं। आज से तुम लोग खुद भी कमाओ और मुझे भी कमा के दो। ये आप क्या कह रहे हैं सर जी? ठीक कह रहा हूँ मैं, जब किसी को हमारा लिहाज नहीं है तो हम क्यों करें? आज से ऐश करते हैं। ठीक है सर, चेकिंग शुरू करूं फिर? चल फटाफट। ओके सर। क्या हुआ निकी, तुम इतनी खामोश क्यों खड़ी हो? कहाँ गया तुम्हारा वो साबित कदम नेक और ईमानदार? हसो हसो और हसो, तुम्हारी ये जीत आरजी है। देख लेना, दीन मोहम्मद को बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। यानी अभी भी तुम्हारा यकीन नहीं टूटा? हो सकता है दीन मोहम्मद को अपनी गलती का एहसास हो भी जाए, मगर अभी तो वो दौलत की खुशी को महसूस कर रहा है ना जो उसके ऊपर निछावर हो रही है। रेगिस्तान की चमकती रेत तो दूर से पानी ही नजर आती है बड़ी, लेकिन उसकी हकीकत तो करीब जाके पता चलती है। तुम्हारी इस बेबसी पे मुझे बहुत अफसोस होता है निकी। मैंने कहा था ना, दीन मोहम्मद का ईमान जरूर डोलेगा। आज मैं तुम सबके लिए क्या लाया हूँ? ये सब क्या है आशिक अब्बा? ये मेरे बच्चों की खुशियां है। ये ले बेटा, ये है तेरे लिए। ये देख। और ये मेरी रानी बेटी के लिए। ये अब्बा, इन सब चीजों के लिए पैसे कहाँ से आए आपके पास? बस आ गए, तू अपना तोहफा देख ना। चुप कर तू, क्या मतलब है तेरा? मुद्दत के बाद तो इस घर ने खुशियों का मुंह देखा है और तू है कि थानेदार बन रही है। चुप करके ले ले जो अब्बा ने दिया। ले ले बेटा, तेरा बाप अभी जिंदा है और मैं तुम ही लोगों के लिए तो कमाता हूँ। और ले भगवान, हमेशा गिला करती थी ना, ये ले। इतना प्यारा सूट आशिक अब्बा, सच पूछो तो आपने मेरा दिल जीत लिया आज। चल तू भी खुश हुई। अच्छा सुन, आज मैं नाजी भाभी की तरफ गया था, अगले महीने की 25 तारीख फिक्स कर आया हूँ। क्या क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि एकदम से इतनी जल्दी इतने सारे इंतजाम कैसे करूंगी मैं? ये ले, खुल के तैयारी कर, पैसों की परवाह नहीं करना, कमी नहीं होने दूंगा। अब्बा, चाय रख दे बेटा। Yes, it came back and another one bites the dust. It's a similar...
क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? जी अब्बा। एक सवाल का जवाब चाहिए अब्बा आपसे। किस सवाल का? अब्बा, हमारे घर में तनख्वाह यकुम को आती थी और 10 तारीख को हमें लोगों से उधार मांगना पड़ जाता था। अब तो उस तनख्वाह की जरूरत ही नहीं होती अब्बा। अम्मा भी हजारों रुपए की शॉपिंग रोज करती हैं, और तो और मेरी शादी की तारीख भी पक्की कर दी है। मैं जानना चाहती हूँ अब्बा, आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आ गई जिसे घुमाते ही दुनिया भर की खुशियाँ आपने हम लोगों के दामन में डाल दी? क्यों बेटा, तुझे ये खुशियाँ अच्छी नहीं लगती? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है अब्बा। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते बेटा, वो सिर्फ सवाल ही होते हैं बस। पर मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मुझे जानना है अब्बा, ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? जमीर के बाजार में सौदा कर दिया है मैंने अपना, बेईमानी के बाजार में नीलाम कर दिया है, बस खुश, यही सुनना चाहती थी ना तुम? अब्बा तूने रिश्वत ली है? अरे नहीं बेटा, ये रिश्वत थोड़ी है, ये खुशियां हैं तुम्हारी, इस घर की खुशियां। ये खुशियां नहीं अब्बा, ये वो नाग है जो जिंदगी भर हम सबको डसता रहेगा। तू मेरा अब्बा नहीं है, तू तो कोई और है जिसे मैं नहीं जानती। आशी रुको, मैंने किसी का हक नहीं मारा। जो दूसरों का हक छीन कर ऐश करते, मैं तो बस उनसे अपना हक छीनता हूँ बेटा। अब्बा ये हक नहीं है, हराम की कमाई हराम की होती है। अच्छा बस, मेरा नाम दीन मोहम्मद है, एसआई दीन मोहम्मद। मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्या हलाल है और क्या हराम, मुझे मत सिखा। मैं सिखा नहीं रही हूँ अब्बा, तूने ही हमें सिखाया था हलाल क्या होता है, हराम क्या होता है, नेकी और बदी की तमीज क्या होती है। इन सब चीजों की तमीज तूने हमें बताई थी, मैं तो सिर्फ वो सबक तुझे याद करवा रही हूँ अब्बा। लेकिन हमने तो तेरी ऐसी तरबियत नहीं की ना कि तू बाप से जुबान चलाए। तेरी शादी के वास्ते बहती नदिया में से अपने हिस्से का पानी निकाला है, तेरी शादी हो जाएगी तो फिर मैं पहले वैर साहब बन जाऊंगा। मुझे नहीं शादी करनी अब्बा। तो क्या करेगी, माँ बाप सारी उम्र जिंदा थोड़ी रहते हैं। देख बेटा, मैं तुझसे वादा कर रहा हूं, एक बार तेरी शादी हो जाए ना, फिर मैं ये पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा और कोई छोटा मोटा सा कारोबार कर लूं। तू सच कह रहा अब्बा? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूं। ठीक है अब्बा, खुश हो जा। चल शाबाश, जी जी सर, मैं पढ़ रहा हूँ, बताता हूँ आपको सर। ठीक। जी सर, आपने बुलाया था? बैठो दिनों। दीन मोहम्मद, कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम्हारे हालात रोज ब रोज बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जानना चाहता हूँ ये सब कुछ कैसे हो रहा है। नहीं नहीं सर, मैं तो शुरू से ऐसा हूँ, आपने नोट अप किया होगा। झूठ बोल रहे हो तुम, कल तक तुम्हें अपनी बेटी की शादी की फिक्र थी और आज माशाल्लाह उसकी शादी की तारीख भी तय हो गई है। कोई जादू की छड़ी हाथ आ गई? सर ये सब आपकी मेहरबानी है। मेरी मेहरबानी? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है सर, जब मैंने आपसे अपने प्रोविडेंट फंड की बात की थी तो आपने इनकार कर दिया था, फिर मुझे याद आया मेरी तो गांव में ज़मीनें हैं, अब बस वही बेच दी। दीन मोहम्मद, तुम्हारी ये बात मुझे हजम नहीं हुई। कोई बात नहीं सर, कुछ बातें हजम होने के लिए नहीं होती। ठीक, एनीवे मैंने तुम्हारा तबादला रेडियो रूम में कर दिया है, जाके चार्ज संभाल लो। सॉरी सर, मैं नहीं जा सकूंगा।
क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अपने ऑफिसर की बात के खिलाफ जाओगे? नहीं नहीं सर, खिलाफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। देखो दी, हेलो। जी सर, जी सर, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं अभी ऑर्डर्स कैंसिल करवा लेता हूं। चलता हूं सर। दीन मोहम्मद, एक बात याद रखना मेरी, गलत कर रहे हो तुम। ठीक करके बहुत देखा सर, मजा ही नहीं आया। बेटी की शादी पे जरूर आइएगा। सॉरी सर, भूल गया था। खुद ही बता दे क्या है गाड़ी में। नहीं जनाब, हल्का फुल्का सामान है सर। इसकी गाड़ी से असला और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। धमाका खेज मवाद? तू तो बचा गया 14 साल के लिए, तू नहीं बचता। नहीं नहीं साहब, बस आतिशबाजी का थोड़ा बहुत सामान है और बच्चे जिद कर रहे थे, पिस्तौलें तो शिकार के लिए हैं। किसे बना रहा है? बिठाओ इसे गाड़ी में, लेके चलो थाने। आपकी मर्जी की रकम दे सकता हूँ मैं। कितनी? जितनी आप बोलें। बीस लाख मेरे और दो दो लाख सिपाहियों के। मंजूर है। तो भाई आज अपनी नौकरी का सबसे शानदार दिन था, लंबी कमाई हुई है। अब देखना अपनी बेटी की शादी ऐसी करूंगा कि सारा शहर देखेगा। सर जी आपने तो हमारी लाइफ ही सेट कर दी है, बीवियां बड़ी खुश है हमारी। सर जी मेरी बीवी तो जिद कर रही है, बोलिए पूरे एक हफ्ते के लिए मरी चलो शहर के लिए। अरे तो लेके जाना यार, इन्हीं के लिए तो कमाते हैं। से भरी गाड़ी शॉपिंग प्लाजा के मेन गेट से टकरा दी। धमाके की नौबत बेहद शदीद थी। नाज़रीन, इस बम धमाके में 50 अफराद के जाँ बाँक और 80 के करीब जख्मी होने वालों की इत्तला मिल रही है। हमलावर की सीसीटीवी फुटेज हमारे चैनल ने हासिल कर ली है। सर इसकी गाड़ी से असला और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। धमाका खेज मवाद? आपकी मर्जी की रकम दे सकता हूँ मैं। बीस लाख मेरे क्या हुआ? बहुत अफसोस हुआ भाई, तुम्हें इतला नहीं मिली क्या? नहीं, मेरा फोन बंद था, क्या हुआ यार? आज बम धमाके में तुम्हारी दोनों बेटियां अल्लाह को प्यारी हो गई। बर्बाद हो गए हम, लुट गए हम। ना मैं तुझसे माफी मांग सकती हूँ और ना ही अपने रब से। देख बर्बाद हो गए हम। क्या हो गया ये? किसी ने नहीं हुआ।
अजीब उलझन है ख्वाहिशों की।